भतीजे ने अखिलेश यादव पर निशाना साध के ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम, जी हाँ, वो बनने जा रहे हैं। और क्या बसपा की कमान मायावती के भतीजे के हाथ में आएगी? नमस्कार, मैं हूँ राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं स्पिन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल से। दरअसल कुछ वक्त पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने की बात कही थी। मायावती का यह कहना था कि विपक्ष को एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कस रही है, लगातार विपक्ष को परेशान किया जा रहा है, ऐसे में अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि मायावती के भतीजे अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी का विधानसभा चुनाव क्यों हारी, इसमें अखिलेश यादव की गलती थी। अगर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को किनारे न करते और तमाम अन्य नेताओं को किनारे न करते तो शायद ऐसी हालत न होती। हालांकि अगर मैं बात करूँ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की, तो कई महीनों पहले अगर हम देखें तो काफ़ी समय से अखिलेश और शिवपाल के बीच सियासी झगड़ा देखने को मिलता रहा, सियासी झगड़ा दिखता नजर आया। और फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके के हालात बने हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में अगर विपक्ष एकजुट नहीं होता है तो बड़ा नुकसान केवल विपक्ष को होगा। लेकिन क्या 2024 के चुनाव से पहले बसपा एक बार फिर बीजेपी की तरफ जा रही है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त हमने देखा कि भाई बसपा बीजेपी को पर्दे के पीछे समर्थन कर रही थी, और क्या 2024 में भी यही तैयारी है? क्या लगता है आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।